स्पेशल वीडियो का डे 18 में हम लोग पहुंच गए हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपका जो मार्क्स है वो 2, 4, 5 नंबर और बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो इससे बड़े क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए आते हैं वो भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड में लिखा हुआ है कि यदि साइन ए का वैल्यू 3/5 है तो कोस ए का मान ज्ञात करना। बहुत सिंपल सा चीज है कि साइन ए का वैल्यू 3/5 है तो कोस ए का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग पास में इफ साइन ए बराबर 3/5 देन फाइंड द वैल्यू कोस, है ना, कोस का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवेन। गिवेन क्या है हम लोग पास में, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5, ये दिया गया वैल्यू है। ठीक है, दिया गया है। यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो नंबर है साइन साइन ए, इसका फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ही पी का वैल्यू हम लोग पास मिल गया 3 और एच का वैल्यू मिल गया 5। हम लोग क्या निकालना होगा, बी, तो बी निकालेंगे। कैसे पता चला, हम लोग जानते हैं त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, इसमें इसको पी, इसको एच और इसको बी बोलते हैं। एच भी है, पी भी है, क्या नहीं है, बी है, जिसमें हम लोग एक प्रमेय यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहां पर आपको देखना है एच का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर है, बराबर पी का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर है प्लस बी, बेस है आपके पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा प्लस बी का स्क्वायर, 9 इधर लेके आएंगे तो 25, ये माइनस में 9 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर, 25 में से 9 घटाने पे 16 बचेगा बी स्क्वायर का वैल्यू। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो बी स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका वैल्यू 16 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, तो ये जो स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, और एक नंबर जब दो बार होता है रूट के अंदर में तो सिर्फ बचता है एक तो नंबर बिना रूट के साथ। तो इस तरह बी का वैल्यू भी हम लोग कितना निकाल लिया, बी बराबर 4 निकाल लिए। अब हम लोग पास में क्या है, पी है, एच है और बी का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं कोस थीटा का मान। तो लिखेंगे अब नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर होता है बी बाय एच, और हम लोग पास बी का वैल्यू आया था अभी अभी देखिए है ना कितना, 4, और एच का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है हमारे पास में 5, एच का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4 है, तो 4/5 ये हो जाएगा कोस ए का वैल्यू। और इस तरह से इस छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, बहुत आसान तरीके से समझते हुए इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह के वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू डाले जा रहे हैं, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपके फायदे का चीज है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।